धर्म अर्थ काम ते मोख उथे गुरमत दे अंदर भी चार पदार्थ दर्शाए गए हैं। प्रेम पदार्थ, नाम पदार्थ, ज्ञान पदार्थ ते मुगत पदार्थ, ये चार पदार्थ हैं। सतगुरु जी कहंदे नाम पदार्थ द्वारा ही मनुख नू ऐसा ज्ञान प्राप्त हुंदा है जिस ज्ञान दे सदका ए जीव मालक नू अपने नेड़े समझदा है। गुरमुख पावस रस रस मान। जिस मनुख दा मुख गुरु वल्ले है ओ रसक रसक के भाव मान प्राप्त करता है, इज्जत सत्कार प्राप्त करता है। गुरमुख पावस रस रस मान, ज्ञान द्वारा परमेश्वर दे नाम द्वारा सत्संग जी संसार दे अंदर मान सत्कार प्राप्त हुंदा है। पर नाम सिमरन दे नाल ता परलोक विच भी जीव नू मान सत्कार प्राप्त हुंदा है। रे रे दरगा कहे ना कोऊ, आओ बैठ आदर शुभ देऊ। उथे इस जीव दी कोई निरादरी नहीं करदा, बड़े प्यार नाल इनू जी आया कहिंदे ने, अदब सत्कार करदे ने। नानक धर्म ऐसे चवहे कीतो पवन पुनीत। सत्संग जी धर्म भी, धर्म राजा भी इस जीव नू जी आया कहिंदा है ते कहिंदा तुसी मेरा घर पवित्र कर दिता है। जिथे संसार दे अंदर इस जीव नू मान सत्कार प्राप्त हुंदा है ज्ञान द्वारा परमेश्वर दे नाम द्वारा रसक रसक के ए जीव विचार विचार के ज्ञान नू पढ़ पढ़ के मान प्राप्त करता है, सत्कार प्राप्त करता है। पर नाल साहब सतगुरु पातशाह जी ने दर्शाया भी है, पढ़ पढ़ गड्डी लदिया है, पढ़ पढ़ भरिया साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाईया है, पढ़ पढ़ गड्डिया है खात, पढ़िया है जेते बरस बरस, पढ़िया है जेते मास, नानक लेखे एक गल होर हौ में चखना चाख। मनुख जिन्ना मर्जी पढ़ लवे पर जे अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर दा नाम पल्ले नहीं पिया ते सतसंग जी सारी पढ़ाई जड़ी है वह बेकार है। जे परमेश्वर दा नाम पल्ले पै गया ते समझ लेना भी ये साड़ी पढ़ाई सफली है। विद्वाना ने जिक्र किया है, जहां ना पहुंचे को धनी तहां पहुंचे विद्वान। जिथे कोई तनाड आदमी माया धारी नहीं पहुंच सकता, सत्संग जी उथे विद्वान पुरख जेड़ा है वो पहुंच के मान सत्कार प्राप्त करता है। विश्राम दे के हजूर फरमाउंदे हन, ज्ञान ज्ञान कथा सब कोई। सतगुरु पातशाह जी कहंदे ज्ञान ज्ञान कथा सब कोई, सब कोई ज्ञान ज्ञान कहिंदा है, सब कोई ज्ञान दियां गल्लां करदा है। कथ कथ बाद करे दुख होई, पर ज्ञान नू कथ कथ के कह कह के विचार विचार के ते बेअर्थ ही झगड़ा करदा है, जिस झगड़े दे कारण फिर दुख हुंदा है। उहदा जीवन सुख प्राप्त नहीं कर सकता जेड़ा ज्ञान दी प्राप्ति करके ते व्यर्थ ही झगड़ा करता है। नानू नाम दा पंडित सतसंग जी
जिसने अपना नाम नानक रखिया सी भविखत पुराण नू पढ़ के उदे मन विच शंका पैदा हुई कि मैं ही असल दे विच नानक हाँ। बहुत विद्वान सी, पढ़िया सी, ज्ञानी सी, पर ओ बेअर्थ ही लोकां दे नाल झगड़ा करदा सी कि जित प्राप्त करके ते उन्हां दे ग्रंथ भी नाल ही खो के लै जांदा सी। जदों ये संगला दीप विच गया, राजे शिवनाभ ने इहदी परख कीती, पर इह उहदी परख विच पूरा ना उतरिया, उत्थे डोल गया। राजे शिवनाभ ने अपने राज विचों धक्के मार के इहनूं बाहर कढ दित्ता सी। सतगुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी जदों राजे शिवनाभ दे पास गए तां राजे शिवनाभ ने धन गुरु नानक साहब जी दी वी परख कीती, पर हजूर सतगुरु गुरु नानक साहब जी ने सत संगत जी उन्हां आईयां होईयां राणियां नूं औरतां नूं कहा सी, गाछह पुत्री राजकुमार नाम भणोह सच दोत सवार। हजूर कहन लगे तुसी सारियां इस्त्रियां मेरियां धीआं हो, ते धीआं मापिआं दे अगे हाव भाव नहीं करदियां। उन्होंने जदों जाके राजे शिवनाभ नूं दस्या कि हुण असल दे विच गुरु नानक साहब जी आए ने, तो सत संगत जी सतगुरां दे पासों उपदेश प्राप्त करके राजा शिवनाभ भी सतगुरु दा सिख बनिया सी। हजूर कहिंदे ने ज्ञान की प्राप्ति करके ऐवें लोकां दे नाल झगड़ा पाई जाना, इहनू आम करके कहा जांदा झोटा ज्ञान। सतसंगत जी झोटा ज्ञान जिन्हों आपां भैंसा कह दिंदे आ ना, जिवें ओ ऐवें ही बूझियां दे विच सिर मारी जाऊगा, इस तरह ज्ञान की प्राप्ति करके हर एक दे नाल सिर अड़ाई जाना, नहीं आ गल इस तरह सी, नहीं आ गल इस तरह सी। सतगुरु जी कहिंदे नहीं भाई, ज्ञान की प्राप्ति करके उस वाहिगुरु नूं समझना है, ते जे उस वाहिगुरु की समझ नहीं आई ते फिर ज्ञान भी किसी अर्थ नहीं। कथ कथ बाद करे दुख होई, गुरु नानक साहब जी दो काशी गए ना, उत्थे भी पंडतां ने सतगुरु गुरु नानक साहब जी दे नाल चर्चा कीती, ते हजूर सतगुरु पातशाह जी ने एक मरे हुए कुत्ते वल इशारा करके कहा सी, कहन लगे उठ तेरे भाई आए ने ते इन्हां दे नाल चर्चा कर। ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮਰੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਕੂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁਰਾਣ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਸਫਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਅਜਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਥ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਥ ਕੇ ਉਚਾਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਨਾ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੇਗਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਤੁਸਾਂ ਇਉਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਇੱਕ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ
ते बोलन तो रह नहीं सकदे। बिन रस मराते मुक्त न होई। पर जिन्ना चिर नाम रस विच ए जीव रंगिया नहीं जांदा उन्ना चिर सात संग जी विकारां वल्लों इस जीव नूं मुक्ति दी प्राप्ति नहीं हुंदी। ज्ञान ध्यान सब गुर तै होई। सतगुरु पातशाह जी कहंदे ज्ञान अते ध्यान ए सारा गुरु दे पासों ही प्राप्त हुंदा है। साची रहत साचा मन सोई। सतगुरु जी कहंदे जिन्हां दी रहत सच्ची है उन्हां दे मन विच सच्चा वाहे गुरु परमेश्वर वसदा है। रहनी रहे सोई सिख मेरा ओ साहेब मैं उसका चेहरा। हुणे ही आपां गुरु के कीर्तनियां पासों सत संगत जी रहत दे बारे शब्द सरवण कर रहे सां। रहत बिना नह सिख कहावे, रहत बिना दर चोटां खावे। रहत सत संगत जी जो साडी सिख रहत मर्यादा है, साडे संस्कार ने जो रहत मर्यादा विच दर्शाया गया उस मुताबक अपने जीवन नू ढालना यही रहत है। सतगुरु जी कहंदे ने रहत जेड़ा रहत विच त्यार वरत्या रहिंदा जिहदी रहत सच्ची है ना विखावे मात्र नहीं। कई बार असी विखावे मात्र भी अपनी रहत प्रगट करते हैं कि मैं बहुत रहत वाला हाँ। सत्संग जी नहीं, जिथे साड़ी बार दी रहत है ना सो जगत झूठ दा त्याग करना, नशियां दा त्याग करना, उथे विकारां दा भी त्याग करना, अंदर दी रहत भी जेड़ी है ना उनू परपक करना, अमृत वेले उठना, सिमरन भजन करना, नितनेम करना, गुरु की बाणी नाल जुड़ना, ये साडे अंदर दी रहत भी है। अंदर दी रहत बाहर दी रहत साची रहत साचा मन सोई। जिन्हां दी रहत सच्ची है उन्हां दे मन विच सच्चा वाहेगुरु परमेश्वर वसया होया है। मन मुख कथनी है पर रहत ना होई। सतगुरु जी कहंदे जेड़ा मन दे पिछे तुरन वाला है ना मन मुख उहदे कोल कथनी तां है, वो कहिंदा ते है पर उहदे कोल रहत नहीं, वो रहत नहीं रखदा। पंज ककार जिहड़े सतगुरां ने सानू बख्शिश कीते ने, सतसंगत जी कंघा केस कड़ा कशहरा ते कृपान, ये पंज ककार, पंज ककारां दा धारनी होना, ये पंजां ककारां दी रहत रखनी, ये एक निजम है। निजम विच रहना यही रहत है। पर सतगुरु जी कहंदे मनमुख जेड़ा ना वो रहत रखदा नहीं, कथन जरूर करदा है। वो जरूर ये गल कहंदा भी सुचमताई रखनी चाहीदी है, पवित्रताई रखनी चाहीदी है, पर आप कुछ भी नहीं करदा। सतगुरु जी कहंदे ने जिन्हां दी रहत सच्ची है उन्हां दे मन विच सच्चा वाहिगुरु परमेश्वर वसया है। पर जेड़ा मन दे पिछे तुरन वाला मनुख है ना उहदे कोल केवल कथनी है, रहत नहीं। नामो भूलै थाओ न कोई। जेड़े जीव परमेश्वर दे नाम तो भुल जांदे हन सत्संगत जी उन्हां नूं दरगाह विच कोई थां प्राप्त नहीं हुंदी। मन माया बंदे ओ सर जाल। सतगुरु पातशाह जी कहंदे ने माया ने मोह रूपी तीरां दा जाल द्वारा इस जीव दे मन नूं बन रख्या होया है। सत्संगत जी माया मोह दे तीर मारदी है,
ते तीरां दा ऐसा उजाल बुणदी है कि यह जीव दा मन जेड़ा है ना उस माया दे मोह विच ही बज्जिया रहिंदा है। घट घट व्याप रहे ओ बिख नाल जिथे अकाल पुरख वाहेगुरु परमेश्वर सारे घटा घटा विच शरीरां शरीरां दे अंदर व्याप रहा है उथे सतगुरु जी कहंदे बिख नाल। सत संगत जी बिख नाम जहर दा है, ये माया रूपी जहर भी सारे शरीरां दे विच नाल व्याप रही है। जो आंजै सो दिसै काल साहिब सतगुरु पातशाह जी कहंदे जो आंजै सो दिसै काल, जिस दा जन्म होया है ना समझो ओ काल दी फाही विच है। जो जन्मे सो जन हमूआ, गोविंद भगतिया स्थिर है थिया। जिस दा जन्म ऐसा संगत जी उसने आखिर संसार तो जाना, पर अजन्मा इको ही एक वाहेगुरु परमेश्वर है ते जेड़े ओदे नाल एकमेक हो जांदे ने फिर ओ भी जन्म तो रहत हो जांदे हन। कारज सीधो हृदय संभाल जिन्ना ने हिरदे अंदर उस वाहेगुरु नूं संभालिया चेते कीता उन्हां दे सारे ही कारज प्रभु ने सवार दित्ते हन। सो ज्ञानी जिन शब्द लिव लाई साहिब सतगुरु पातशाह जी ने इत्थे ज्ञानवान पुरख दा जिक्र कीता है। ज्ञानी कौन है? सतसंगत जी किताबां पढ़ के पेपर दे के ज्ञानी दी डिग्री प्राप्त कर लैनी यह वक्री गल है। गुरु शब्द नाल जुड़ के ज्ञान दी प्राप्ति करनी, वाहेगुरु तक पहुँच जाना यह वक्री बात है। सतगुरु जी ने इत्थे ज्ञानी दा जिक्र कीता है। सो ज्ञानी जिन शब्द लिव लाई, ओ ज्ञानी है जिसने शब्द विच अपनी लिव बिरती नू जोड़िया होया है। जेड़ा अमृत वेले उठदा है गुर शब्द दा अभ्यास करदा है, वाहेगुरु गुर मंत्र दा जाप करदा है, सतगुरु जी कहंदे ओ ज्ञानी है। मनमुख होमै पत गवाई पर मन दे पिछे चलन वाले मनुख ने होमे दे अंदर आ के अपनी इज्जत जेड़ी सी ओ गवा ली है। जिवें पिरथी चंद ने होमे विच आ के अपनी इज्जत गवा ली, अज कोई भी उन्हां नूं सत्कार दे नाल नहीं बुलाउंदा। जद भी कोई ज्ञानी पिरथी चंद दा नाम लवेगा ना ते ओ दर्शाएगा भी सतगुरु अर्जन साहब जी दे नाल ईरखा करदा रहे। सो सत संगत जी इस तरह मनमुख जेड़ा है ना उन्हें होमे विच अपनी इज्जत गवा ली है। आपे करता भगत कराई करते वाहेगुरु परमेश्वर ने आप ही जीव दे पासों भगती करवा ली है। गुरमुख आपे देवड़े आई परमेश्वर आप ही गुरमुखा नू वड्याई बख्शदा है। रैन अंधारी निर्मल जोत सतसंगत जी रात दे हनेरे अंदर दीवा प्रकाशदा है, ओ बहुत सोहना लगदा है। इस तरह सतगुरु जी कहंदे रैन अंधारी जिंदगी रूपी रात हनेरी है, इहदे अंदर अग्ञानता दा हनेरा एकत्र होया पिया है, पर सतगुरु जी कहंदे निर्मल जोत, इहदे अंदर एक निर्मल पवित्र जोत भी है जिसनूं असी ज्योति स्वरूप अकाल पुरख वाहेगुरु दी जोत कहंदे हां।
ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਜੋਤ ਹੈ। ਸਤਸੰਗਤ ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਸਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਸੀਸਾ ਤੇ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੱਟੀ ਜਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹਨੇਰੀ ਹੈ, ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਜੋਤ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਝੂਠੇ ਕੁਚਲ ਕਸ਼ੋਤਾ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੀਵ ਝੂਠੇ ਹਨ, ਔਰ ਕੁਚਲ ਨਾਮ ਖੋਟੇ ਦਾ ਹੈ, ਖੋਟੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਕਸ਼ੋਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਛੋਹਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਹਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਖੋਟੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਵੇਦ ਪੁਕਾਰੈ ਭਗਤ ਸਰੋਤ, ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਵੇਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਚਾਰ ਵੇਦ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੇਦ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ ਵੇਦ। ਵੇਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਗਿਆਨ, ਵੇਦ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੇਦ ਦਾ ਅਰਥ ਚਾਰ ਵੇਦ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਮਨ ਵੇਖੈ ਜੋਤ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾ ਮੰਗ, ਛੇ ਸ਼ਾਸਤਰ 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਇਹ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਉੱਤਮ ਕਾਰਾ ਮੰਗ, ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੁਰੂ ਵੱਲੇ ਨੇ, ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਉੱਤਮ ਕਰਾਮੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਉੱਤਮ ਹਨ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹਨ। ਮਨਮੁਖ ਜੋਨੀ ਦੁੱਖ ਸਹਾਮੰ, ਅਥਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਤਮ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਉੱਤਮ ਹਨ, ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨਮੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੋਨੀ ਦੁੱਖ ਸਹਾਮੰ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ। ਬੰਧਨ ਟੂਟੈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਵਸਾਮੰ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇਗਾ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਮੋਹ ਦੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਨੈ ਨਾਮ ਸੱਚੀ ਪਤ ਪੂਜਾ, ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਥਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਸੱਚੀ ਪਤ ਪੂਜਾ, ਸੱਚੀ ਇੰਦਰ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੰਦਰ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਵੇਖਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੂਜਾ, ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਾਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖ ਕਹੋ ਭਾਵੈ ਮਨ ਸੋਏ, ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ
अते ओ परमेश्वर वाहेगुरु मन विच पाउंदा है चंगा लगदा है। नानक कहै अवर नहीं कोए। हजूर कथन करदे ने उस अकाल पुरख वाहेगुरु परमेश्वर तों बगैर होर कोई दूजा नहीं। परसा संगत जी ओदी प्राप्ति ओनू वेखना गुरु दे हुक्म अनुसार ही ओदे दर्शन दीदार प्राप्त हुंदे ने। ये पावन उपदेश सतगुरु गुरु नानक साहब जी ने इस अष्टपदी दे अंदर आपां नूं बख्शिश कीता। गुरु कृपा करे गुरु शब्द नाल जुड़ के ज्ञान की प्राप्ति करके उस वाहिगुरु नूं सारियां शरीरां विच साध संगत जी आपां वी रमिया होया वेख सकीए। इनियां बेनतियां प्रवान करनियां होइयां भुल्लां दी खिमा करनी जी। देख कहो पावै मन सोए। नानक कहै अवर नहीं कोए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। Hare Krishna।